तारीख है 25 जून 2022 समय हो गया है 11133 27। ठीक है, आप एम पी का चतुर्वेदी जी शिवसेना, आपने एक सवाल पूछा, ठीक है, कि आपको जो है क्या कहते ऐसा क्यों लगा कि अचानक एक नई बात बता रहे हो आप कुछ और, ऐसा क्या था जो भारत में हम हमसे छुपाया गया जो हमें नहीं पता था? आप जो कुछ ही बता रहे हैं, यू आर अ मिस्टर यूनिवर्स और ये और वो, राइट? और मैं आपको आपके जवाब देता हूँ मैडम, आपको जान के हैरानी होगी, आपका जो इंटेलिजेंस है ना, जो सोर्स है, बहुत कमजोर है, उसे बढ़ाओ ना तो आपको पता लगेगा ना भारत में कैसे कैसे धुरंधर बैठे हुए हैं। आप लोग भारत को ना बहुत कम करके आंकते हो, आपके सोच से भी बड़ा है भारत, स्वाइन है भारत, इतना विशाल है, पता नहीं लाखों लाख ब्रह्मांड को संभाले अपने अंदर। हाँ बिल्कुल, तारीफ कर रहा हूँ भारत की, आपकी आपकी समझ है ना, एक बात। दूसरी बात, अगर कुछ आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो भारत में नहीं है, राइट? तो यहाँ फिर बात आ गई कि आपकी नॉलेज कम है, ओह बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना विमेन हिट सामने आ जाती है ना, कि फिर कहेंगे यार इतेश वो बंदा है, ही डजंट नो हाउ टू टॉक टू लेडी। कांग्रेस पार्टी से शिवसेना में जाना ना, मतलब धरती से मंगल ग्रह पे जाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है मैडम कि मतलब कांग्रेस से शिवसेना में चले गए और उसको क्या दिया, हमारे पास तो मतलब धरती से मंगल पे जाने वाले से टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है। अच्छे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। राजनीतिक गलियारे से ना सिर्फ वही चीजें दिखाई देती है जो राजनीति के लिए फायदेमंद, उत्तर से ही दिखता है आपको कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, फाइनेंस कौन कर रहे नहीं कर रहे, उस फाइनेंसिंग यू ना। नहीं दिखेगा ना, क्योंकि राजनीतियों के चश्मे ना इतने इतने से होते हैं, इतने मतलब स्मॉलर देन द ओपन आईज ऑफ चाइनीज, मतलब चीनियों की ना खुली आंख से भी ज्यादा छोटे चश्मे होते हैं। तो उनको मिस्टर यूनिवर्स कास्ट की थी मैडम सही है ना, और कितना कितना ड्रामेटिक और कैसा लगा ना, शॉकिंग फॉर ऑल। बोले जिसको आप कहते थे ना इज अ सलमान खान अच्छा अमिताभ बच्चन, मतलब राहुल गांधी को तो ऐसा समझते थे कांग्रेस में, मतलब नेशनल बच्चा अमूल बेबी वही तो था अमूल बेबी ऐसे नहीं, और हाउ यू चूचू वही तो था चूचू, हाँ वही बना फिर रहा था चूचू, आपको मालूम। असल में क्या था, मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले कहा गया कि भारत के अंदर एक ऐसा बच्चा है, इज अ किड, इसकी वैल्यू ना इस धरती के करोड़ों करोड़ धरतियों से भी ज़्यादा है, तो सब अपने बच्चे को ना बड़ा करने लग गए,
कांग्रेस में ना इसको राहुल गांधी को बड़ा कर रहे थे नेम ऑफ चूचू। मेरे पे हमला पता है ग्रीन पार्क में कांग्रेसियों ने करवाया, पर वो जानता नहीं था चूचू है कौन। ठीक है, ये अपने अपने ना अमूल बेबी को उनको उन्हें पता लगा कि उस लड़के के नाम पे ना अमूल कंपनी है, अमूल बेबी वो है, पर अमूल बेबी की एड में एक लड़की को बना दिया गया। सब सोच रहे यार वो लड़की है, ये भी कलाकार है, तो क्या फर्क पड़ता है। फिर ऐसा क्या इसके पास? सडनली भारत के अंदर जो है ना अमिताभ बच्चन को अपना बेटा भी ना अमूल बेबी लगने लग गया। हाँ नेशनल बच्चा। सबके सब जो है ना नेशनल बच्चा हो गए। मोदी भी तो कहने लग गया था, हाँ मोदी भी तो कह रहा था उसको मिड डे मील से ही ला दिया खाना। कैसे शॉकिंग लगा ना सडनली दे ईच एंड एवरी वन केम टू नो इन इंडिया दैट अ पर्सन इज अ फॉर्मर चीफ टू हैंडल एबिलिटी ईच यू वन सडनली दैट ही इज होल्डिंग द टाइटल ऑफ द मिस्टर यूनिवर्स इन 1996 continuously from the 26 years. यार ऐसा क्या है इसके पास? क्यों बताऊंगी? और पता है क्या, यहाँ ना एक से एक जितने भी है ना सौ के सौ, मतलब यकीन मानो मेरी बात, मतलब देवेगौड़ा का ना देवीगौड़ा आया तो देवेगौड़ा, हाँ उसके बच्चे भी जो है ना नेशनल बच्चे हो गए थे। हाँ ऐसा लगता था जैसे यकीन मानो यार, बोले चिड़ियाघर में ना दरियाई घोड़े के बच्चे होते हैं ना, हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि अमूल बेबी यही तो है। और आप पता है ये भारत की जो राष्ट्रपति बना रहे हैं ना, इंसर्जेंसी लग गई इन पे और गलत तरीके से, बिकॉज आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया 3760। हाँ ये उस अमूल बेबी की माँ है ये। हाँ सकल से ही देखने में लग रही भारत माता, मैंने कहा हाथ जोड़ लो इसके। पूतना है ये। अब कैसी कैसी बात करती हुई यार, पूरी महाभारत की टीम बना के मानेगा, मतलब कृष्ण को देन हु इज द कृष्ण, बच्चे को डराने के लाए। अबे बच्चे मिड डे मील नहीं खाएंगे यार, कुछ तो तरस खाओ इस देश के बच्चों पे। द्रौपदी मुर्मू को लेके आए हैं, अबे कैसे ले जाओगे यार बच्चों को ले आने, बच्चे खा जाएगी। देखने में ना सुरसा और पुरानी तुम्हारी ना, अब क्या बोलोगे यार, ये जो मंडल जो है ना इसको ही डजंट हैव नॉलेज टू दिस, ही डजंट हैव नॉलेज हाउ टू स्पीक टू दिस। Yes, I do have a knowledge to talk with the women, but I don't have the knowledge to talk with the demons. Modi did a demonetization on 8 November 2016. Uske demonetization, matlab rakshasi karan ke baad mein ye rakshasi nikal ke aayi hai. Agar bete ek ne bhi na, main bata raha hoon tumko. राष्ट्रपति भवन वालों, एक बच्चे ने भी अगर मिड डे मील छोड़ा ना, मैं पक्का मारूंगा बेटा सबको। इसको देख के वो बच्चा सोएगा रात को, पता है तुम्हें? और क्या, ये तो सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चा खाएगी, हाँ हाँ, और लंच में और डिनर में, इसको देखने के बाद कमो नहीं आ। ये अब पता है कहाँ है भारत में, वो भारत की अम्मियों मम्मियों काकाओं भी सारी, वो बच्चे की अम्माओं तुम्हारे बच्चे को डराने के लिए लाएगी। पहले खुद बच्चों के कान खींचता था प्रधानमंत्री होकर के, इतना मारा ना इसको मोदी को बंदों ने, मेरा कान कैसे खींचे को फोटो में। नाउ द प्रियंका चतुर्वेदी इज आस्किंग मी सडनली अ ब्लंडर इज केम आउट। अरे तुम यार जैसे तुम लोग टीवी पे फेक न्यूज चलाते हो ना, वैसे ये मिस्टर यूनिवर्स भी चलता है। बताओ ना, अभी तो वही वाली बात हुई, चाइनीज कह रहे यार, पता ही क्या कह रहे, चाइनीज कह रहे वी वांट टू सी मिस्टर यूनिवर्स, कह रहे भाई आंख तो खोल ले पूरी।
इतनी सी आँख खुलती सी अकेले ही वॉन्ट टू सी मिस्टर यूनिवर्स, कहता हमें दिखता नहीं अभी आँख खुल गई, कह रहा आँख खुली हुई है अब क्या कबूल। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी ये बात सही है, ये जो रॉकेट साइंस आपने बनाया ना इसके आगे तो डीआरडीओ और इसरो भी फेल है। यू आप उन पॉलिटिशियंस में से हो जिनकी तारीफ ना ऐसे ही की जानी चाहिए। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब इतना गजब का आपने जो है ना रॉकेट साइंस इजाद किया कि कांग्रेस से झट से जो है ना शिवसेना में आ जाओ, अकेले आए मैडम औरों को भी लिया आपने। अब क्या होगी यार, मेरी बात सुनो मैडम, दिस इज रियली वंडरफुल वंडरफुल ट्रिक एंड हाथ। प्रियंका गांधी को भी ले आते चलाओ। बेटी बचाओ कार्यक्रम उसके लिए था और वो अमूल बेबी, वो अमूल बेबी प्रियंका गांधी नहीं थी, प्रियंका गांधी तो नहीं थी वो छोटे से जो उसमें दिखा रहे थे। हाँ क्या हो गया, एक दिन का प्रधानमंत्री बना देंगे बच्चा, वॉन्ट्स टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राहुल गांधी। क्या हो गया यार, बच्चे ही बोल रहा हूँ ना, गाली बोल दी बन जा। अब राहुल गांधी देखते संसद में कैसे आएगा। पता है क्या, राहुल भाग। अब पता है, अब नाउ द सीन इज गोइंग रियली वंडरफुल। अब यूट्यूब नहीं नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ समझ, अब आके दिखा दूँ आप तो जाग में कैसे ताला ही लगा दिया मैंने, तो बच्चों को डरा के दिखाई हो। हाँ जे फॉलोइंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पॉलिसी एज दे ब्रिंग द कमाला हैरिस, व्हाई इज इट द फैशन इज गोइंग ऑन, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द इंडिया। अबे इससे बढ़िया तो वो थी यार, हाँ रेणुका चौधरी। कुछ तो तरस खाओ यार इस देश के बच्चों पे। मोदी ने ना इस बार जो है ना पक्का इस नए इसके ऊपर बच्चों की हत्या का आरोप लग सकता है। बेटा बच्चा अगर एक भी डराना इसको देख के मोदी तो पक्का पिटेगा। मोदी ने कान बच्चे का कान खींचते हुए फोटो खिंचा, इतना मारा ना भाई साहब इसको, साइड में लिया लिया बेहतरी अलाउड नहीं है ना बच्चे के कान के पास लाती लात लाती दाती इसको, मतलब हाथ जोड़ के माफी मांगता था क्या आप करेगा, तुझे कमीज नहीं है फोटो खिंचवाने की, इतना मारा ना मोदी को, अब पिटेगी ये मुर्मे। अगर इसने नॉमिनेशन वापस ले लिया ना, मैं बता रहा हूँ राष्ट्रपति भवन के जो गार्ड्स है ना, नहीं वहां तो जाएगी नहीं जाएगी पता नहीं, मैंने तो खरीद लिया बंद करवा दिया भाई साहब, इतना मारेंगे ना इसको, ये बाल क्या है बाल विकास कल्याण वालों ने मारा इसको मोदी को, वही तो पीट रहे हैं इनको पार्लियामेंट, ये ना बाल एंड महिला विकास प्राधिकरण जो है वही तो चला रहे हैं देश इस समय, वही तो मेरा ही तो है, आर्मी और पुलिस थोड़े वाले थोड़ी चला रहे हैं, महिला एवं बाल विकास प्राधिकरण जो है वो दूध के दाम कम करने को ऐसा इतना मारा ना, कह रहे अब हम बताते हैं फिर, कह रहे तुम्हारे सब नेताओं की अगर जिंदगी नहीं खराब कर दी ना एक एक, उनको पता लग गया इसकी कुछ हरकतों के बारे में महिला एवं बाल विकास केंद्र वाले, और वो हैं भी बड़े तगड़े तगड़े सारे को सारे, इतना मारते ना पुलिस वालों को और इसके एस पी जी गार्ड्स को, जब फोटो देखा तभी मारते थे, कह रहे फोटो कैसे खिंचवाई, और मिड डे मील में घपला, पूरे बाप रे बाप,
वो यूनिसेफ वाले तो बाद में आएंगे, इसकी जिंदगी खराब करके रखती है, बुला बुला के मारते इसको, बुला बुला के जरा सीधा चलते हैं। समझ में आई क्या? इसकी दुर्गति नहीं करी थी, अब मुर्मे पिटेगी तो अलाउड नहीं है ना। महिला एवं बाल विकास वालों ने जो है सीधे तौर पे ऑब्जेक्शन लगा दी, कह रहे ढंग की शकल की देखे आप, बच्चे आते हैं ना मिलने राष्ट्रपति भवन में स्कूल वगैरह के, कह रहे क्या आई है हटा इसको, ये सुन नहीं रही, इसकी जिंदगी खराब कर देंगे। वो नियम है स्कूलों में टीचर भी जो है ना ऐसी वैसी नहीं रखते, एक भी यहीं पे स्कूल में टीचर हो ब्रश करके नहीं आती। महिला एवं बाल विकास केंद्र वाले चले गए भाई साहब जाँच में पता लग गया, इतना मारा भाई साहब, इतना मारा ना टीचर को, और मारते पता नहीं कौन सी चीज होती है, पाइप होता है हल्का प्लास्टिक का, उससे मारते हैं और उसके बाद दे देते हैं इंजेक्शन, कह रहे ऐसे ऐसे मजा वो हाल कर। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपको अगर कुछ नहीं ज्ञान है तो इसका मतलब ये देश कमी नहीं है, देश में सब कुछ है। इस देश को पता सबसे पावरफुल कौन है? महिला एवं बाल विकास प्राधिकरण। जी हाँ, ना आए मैं बता रहा हूँ ना आज आपको, प्रियंका चतुर्वेदी जी मैं बता रहा हूँ, लिख लो लिखो मैडम। इस देश में ना आईबी, ना रॉ, ना इंडियन आर्मी, ना दिल्ली पुलिस, ना और कोई, मुझे पता है किसने पाला है, महिला एवं बाल विकास प्राधिकरण मेरे कस्टोडियंस हैं, मैं बता रहा हूँ लिख लेना कागज। और इस देश में अगर एक बच्चे को भी कुछ हो जाए ना, उसके बाद जो वो हरकत पे उतरते हैं ना, आपको पता नहीं है उनके बारे में। साइलेंट किलर का नाम सुना है? इस देश में वो है, वो साइलेंट किलर है, आबादी मार देंगे देश की, पूरे देश की, समझ में आ गई, बच्चे पाल लेते हैं। और वो आते हैं ना, किसी की हिम्मत नहीं होती, वो फालतू बोल गया, हर जगह वही बैठे हैं। इसलिए ज़्यादा फन्ने का मत बनना। जिस दिन मैंने कहा था ना मदर डेयरी में कि दूध के दाम करने, तो महिला बाल विकास प्राधिकरण ने लिख लिया, कह रहे भाई बात कर ले, इन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा अब ये पक्की ऐसे ऐसी मारेंगे देर में, उसके बाद नहीं रुके, उन्होंने तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जांच खोल दी इनकी, कह रहे बक्के कहाँ जाएगा, बक्के कहाँ जाएगा। उसने सेंक्शन किया ना 60,000 करोड़ को, फिर मैंने जो है यहाँ से आंगनबाड़ी के लिए पता नहीं 5,00,000 करोड़ का पता नहीं कितना लिख के भेज दिया, उन्होंने अपने आप लेके कह रहे हम अपने आप चला लेंगे, चिंता छोड़ो। मैंने कहा मैं आऊँगा, भेज दिया लिख के ऑर्डर सेंक्शन कर दिया आंगनबाड़ी के लिए। और पाकिस्तान में मैंने यहाँ से ना अपनी बिटिया के स्कूल से, और सीरिया के स्कूल मैंने एक और कर लिए लड़कियों के, महिला एवं बाल विकास प्राधिकरण भारत सरकार, ये हूँ मैं मैडम। अब समझ गए क्या है दिल्ली पुलिस और क्या है इंडियन आर्मी, तो साफ कहते हैं क्या हो गया बच्चे ने गाली दे दी, छोड़ना। क्या बोला मैडम है? मैंने मैडम महिला एवं बाल विकास प्राधिकरण, नाम सुना कभी, ध्यान आया था किसी के? नहीं आया ना। मैं पढ़ता, मुझे पढ़ाते हैं वो, मैंने उनके लिए कहा था जिन्होंने मुझे बनाया उनका सर झुकने नहीं दूंगा। सही में आई महिला एवं बाल विकास प्राधिकरण, अब समझ गए क्या है बीजेपी, कौन है ये है? कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, बताएंगे अभी आपको, चिंता ना करो, वो असली वाले। समझ में आई क्या है सुप्रीम कोर्ट? कुछ नहीं है। महिला एवं विकास बाल विकास प्राधिकरण ने साइन कर दिया ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना जज उठा, मैं तो उन्हीं के दम पे तो कूदता हूँ मैं उन्हीं के दम पे कूदता हूँ, किसके दम पे कूदता हूँ, मतलब किसे ही गाली दे देता हूँ वो अपने आप फोन करके समझा देते हैं, चल निकल ले, क्या ये कह दिया मैडम
खेलेगा।